रद्द है कि आज से, क्योंकि 5 नवंबर को हमारे सभी दलित भाइयों ने निर्णय किया और पार्टी ने निर्णय किया कि भीम संवाद के बाद प्रदेश स्तर पर एक भीम सांसद का कार्यक्रम किया जाए और उसी के तहत 5 नवंबर को वेटनरी कॉलेज में हम लोग सब दलित भाई लोग माननीय नेता के सम्मान में, माननीय नेता ने जिस तरह से इन 17-18 वर्षों में दलितों के उत्थान के लिए काम किया है उसके सम्मान में हम सब लोग आह्वान कर रहे हैं सभी लोगों को कि जिस नेता ने 2007 के बाद नई नई योजनाओं का निर्माण करके इस प्रदेश के दलितों को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, चाहे वो इस प्रदेश के विकास मित्र हों, टोला सेवक हों, जो माननीय नेता ने अपनी सोच के तहत जिसका निर्माण किया था और लंबे समय तक जिनको इस प्रदेश में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योजनाओं का निर्माण नहीं हुआ था, 2007 में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग बनाया, जो कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ था उसमें उन्होंने 2005 में जिसमें अति पिछड़ों के साथ साथ दलितों के उत्थान के लिए काम हुआ करते थे उसमें अलग विभाग का निर्माण कराया, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, और आज उसका बजट लगभग 6,600 करोड़ रुपया है और जो पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग बनाया उसका भी बजट लगभग 1,400 करोड़ रुपया है। तो जो व्यक्ति की नीयत इस तरह की है और सबसे पहले उन्होंने 2007 में आरक्षण देकर पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रदेश में एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म देने का काम किया जिससे कि अति पिछड़ों के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, महिलाएं, हमारी जो आधी आबादी है उनके लोग राजनीति में मुखिया बन पाए, जो लोग जिला परिषद बन पाए, जो व्यक्ति को इतना हिम्मत नहीं था कि हम मुखिया के दरवाजे जा कर के अपनी समस्या को रख सकें उसको नेता ने मुखिया बनाने का काम किया। तो आज़ादी 1900 संविधान बना बाबा साहब और राष्ट्रपिता ने और सब जो हमारे पूर्वज थे उनके सोच से और उसमें समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन जब आज़ादी मिली 1952 से लेकर के 2007 तक इतनी बड़ी आबादी थी, 1933 में जातीय गणना हुई जिसमें ये बताया गया कि दलितों की आबादी इतनी है, अति पिछड़ों की आबादी इतनी है, लेकिन कितने मुखिया हुआ करते थे प्रदेश में, महिलाएं कितनी हुआ करती थी नेत्री, बात तो लोग महिला आरक्षण का कर रहा है, बात तो लोग सब कुछ का कर रहा है, लेकिन कितने नेत्री थी जो बाहर आकर के राजनीति में अपना बात को मुख्य। आज क्यों जरूरत पड़ी है, आज जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आपने नारा दिया है कि आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ, जो लोग बहुत लोग बोलते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं बहुत लोग आरक्षण के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में, तो अगर सजग नहीं रहेगा बड़ी आबादी इस देश की तो ये लोग झंडा भी बदल देंगे, संविधान भी बदल देंगे, आरक्षण भी खत्म कर देंगे, ताकत दिखाने की पुरजोर कोशिश, ताकत का ही चीज है, हम तो अपने नेता के सम्मान में खड़े हैं, जो हमको प्यार करेगा, जो हमको दुलार करेगा हम उसके हैं, यही संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम दलितों के प्रति प्यार बढ़ाओ, जो भी राजनीतिक दल है वो बढ़ाओ, जो प्यार करोगे तो हम करेंगे, नीतीश कुमार करते हैं तो नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश के, बिहार से पूरे देश के SC ST समाज को मैसेज दिए हैं और इंडिया गठबंधन के तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री के तरफ से मैसेज दिए हैं, जो व्यक्ति संविधान को ख़त्म कर रहा है उसके विरोध में सब एकजुट हो और एकजुट होकर के 2024 में मुँह तोड़ जवाब देना है भ्रम फैलाने वाली पार्टी जुमलेबाज को, और देख लीजिएगा 2024 में उसका जो 56 इंच का सीना है वो 24 इंच का नहीं होगा, 10 इंच का हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे, कैसन बा, ठीक बा। जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरिमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ, सही पकड़े हैं। पैनोरिमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ई होम्स पैनोरिमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में, पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी,
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।